हेलो गाइस, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फार्मेशन चैनल। गाइस, आज हम प्रेजेंट हैं लेकर के बहुत ही मोस्ट, इससे आपको हिंदी में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और संस्कृत में भी पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, और मनोविज्ञान में को तो आपको से पॉइंट रहेगी। तो इस बेस पे आप तीनों तीन में मोस्टली करके पूछ सकता है। तो इसलिए आप इसको अधिगम अक्षमता के प्रकार के बारे में जरूर आप पढ़ें, क्योंकि ये पेडागोजी में जरूर आता है, तो आप देख लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। और गणित में भी ये आता है, तो आप इसको जरूर देखिए एक बार वीडियो। यदि गाइस आप मेरे चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन इजी से प्रोवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, दिया है कि प्रतिभाशाली, दिया है प्रतिभाशाली सृजनात्मक तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक जो होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अधिगम अक्षमता के प्रकार, तो अधिगम अक्षमता के चार प्रकार दिया हुआ है। एक तो पढ़ने की अक्षमता, दूसरा हो जाएगा मौखिकी रूप से सीखने की अक्षमता, और लिखने की अक्षमता हो जाएगी गणित संबंधी। तो इसमें देखिए, पढ़ने की संबंधी अक्षमता इसमें दो प्रकार से दिया है, दो प्रकार से मौखिकी दिया है, और जो लिखने वाली चार प्रकार दिया है, और गणित संबंधी तीन दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे मोस्ट क्या होता है, उसको पहले मैं बॉक्स में बना के रख दे रही हूँ। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं गाइज, और ए भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और डिसग्राफिया भी बार बार पूछे जाते हैं। और इसमें हम ये ऑलरेडी उसको हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही दिमाग में रखें, ये पूछते हैं। अब चलते हैं, हम इसका पूरा फिर से बताते हैं कि पढ़ने की अक्षमता में जो है डिसलेक्सिया और डिसलेक्सिया, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों प्रकार से अक्षम बालक होते हैं, जिनको पढ़ने की अक्षमता होती है, पढ़ नहीं पाते हैं। मौखिकी रूप संबंधी होता है कि सीखने की अक्षमता, इसमें अफेजिया होते हैं और डिसफेजिया होते हैं, ठीक है। दो चीज बस रखना है, अफेजिया जिसमें, अफेजिया डिसफेजिया हो गया। अब देखेंगे लिखने की अक्षमता, डिसग्राफिया सबसे मोस्ट है, और इसमें अग्रेफिया है, और नेक्स्ट है इसमें दिया हुआ कि अंप्रेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसप्रेक्सिया है, तो ये सारे हैं। नेक्स्ट देखेंगे गणित संबंधी क्या है, डिस वर्बल डिसकैलकुलिया है, और ग्राफिकल डिसकैलकुलिया है, और लैक्सिकल डिसकैलकुलिया है। तो आप ये अपना पहले वाले फर्स्ट वाला याद कर लेंगे, हो जाएगा। तो गाइज ये बहुत ही मोस्ट है आपके लिए, दो क्वेश्चन तीन तो हिंदी में फंस जाएंगे, गणित में मिलेंगे ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और मनोविज्ञान में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए, और कुछ हम मोस्ट इसी से रिलेटेड हम कुछ तथ्य लेकर के आए हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो है तथ्य मुख्य है, पूछता है बार बार, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है कि प्रतिभाशाली बालक हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है। प्रतिभाशाली बालक वह होते हैं जो लगातार उच्च स्तर का कार्य निष्पादन किसी भी सामान्य प्रयास के क्षेत्र में प्रदर्शित करते रहते हैं गाइज। तो ये निष्पादन के बारे में दिमाग में रखें। गिलफोर्ड ने अवसारी चिंतन शब्द का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए प्रयोग किया था, तो कौन किया था, गिलफोर्ड ने किया था, अवसारी चिंतन के बारे में किया था। नेक्स्ट देखेंगे सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को ब्रेल ब्रेल जो है स्टॉर्मिंग विधि की सहायता लेनी चाहिए। अब इसमें देखेंगे कि सृजनात्मक विद्यार्थियों को है वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, और सृजनशीलता वह अवधारणा है जिसमें जो है उपलब्ध साधन से नवीन विचारों को क्या करते हैं, जन्म सृजनशीलता जन्म दिया जाता है, ठीक है, सॉरी। और मौलिकता, धारा प्रवाहिता तथा लचीलापन इसके जो है मुख्य तत्व है, क्या है, तो इसको हम बॉक्स में बना रखे हैं, आप देख लेंगे, मोस्ट है, एमपी भी किए हुए हैं। पढ़ने की अक्षमता संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं, ये भी मोस्ट है, पक्का मैं बोल रही हूँ कि आएगा एग्जाम में, मनोविज्ञान भी तो रहेगा ही, और हिंदी में भी, गणित में भी डिसकैलकुलिया करके गणित से संबंधी आएगा। और ऐसे बालक जो रोटी को जो है
चोटी को रोटी एवं दरवाजा को वाजा कहते हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे डिसलैक्सिया में। और नेक्स्ट है इसमें कि गणिती संबंधी अधिगम अक्षमता के विकार को डिश कैलकुलिया कहते हैं। तो गाइज यहीं से अलविदा लेते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।